Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. आज एक बार फिर किसान धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि इनकी मांगों को लेकर अभी तक सरकार की ओर से जवाब जारी नहीं किया गया है। इनका कहना है सरकार ने इनके हित में कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन गन्ना, आलू और सरसों सहित कुछ और फसलों के मूल्य बढ़ाने की मांग ये लोग सरकार से लगातार करते आ रहे हैं। इसी के साथ आवारा पशु जो इनकी फसलें खा जाते हैं उसके समाधान की मांग भी ये लोग लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, जिसके लिए ये लोग बीती 10 तारीख को भी मेरठ कमिश्नरी पर बैठे थे और आज एक बार फिर इन्होंने कमिश्नरी का घेराव कर लिया है। किसानों की इस महापंचायत में पुलिस लगातार मौके पर बनी हुई थी, फिर भी युवा किसानों ने जमकर हुड़दंग काटा। पुलिस की मौजूदगी में तेज वॉल्यूम गाने बजाए, इस दौरान जमकर पटाखे पटकाए गए, खुद ही देख लीजिए। इस महापंचायत के बारे में राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने मीडिया को यह जानकारी दी, सुनिए। मैं धर्मेंद्र मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। देखिए, बड़ा प्रदेश में जो मुख्य मुद्दा है, एक तो वो है कि आलू का किसान लुट रहा है, और दूसरा बड़ा मुद्दा प्रदेश भर का है जिसका लंबे समय से समाधान नहीं हो रहा है, आवारा पशुओं का। और तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में खेती की लागत बढ़ रही है और फसलों के दाम गिर रहे हैं, जिसका मुख्य उदाहरण आलू है और आपका जो गन्ना है। एक रिपोर्ट अभी हाल में आई है, कृषि जागरण ने प्रकाशित की है उसको, कि एक साल में 24% जो है रेट बढ़े हैं कृषि उत्पादन के, और कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे, गन्ने का मूल्य बढ़े। सरकार ने जो 6.5 रुपये आलू की खरीद की बात कही है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन धरातल पर तो दिखाई दे। उन्होंने कहा कि पहले फेज में 7 जनपद होंगे, जब तक दूसरे जनपद आएंगे तब तक तो आलू व्यापारी के जा चुका होगा और सरकार की सब सब्सिडी और सहायता का लाभ व्यापारी लेंगे। तो आलू की खरीद प्रत्येक जनपद में शुरू की जाए, और मदर डेयरी भी यहाँ से खरीद करती है तो उससे स्पेसिफिक मदर डेयरी, प्राग डेयरी, इनसे भी खरीदवा आ जाए। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंजाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।